हेलो दोस्तों, आज का मेरा सेकंड लेक्चर है सेट थ्योरी का और इसमें हम देखेंगे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को लिखने के दो मेथड हैं और कैसे हम उन्हें लिखते हैं, आइए सेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट के हमारे पास दो मेथड हैं सेट को लिखने के। देखिए, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, रिप्रेजेंटिंग अ सेट। कोई एक सेट दे रखा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के पास हमारे पास दो मेथड हैं। देखिए, पहला मेथड है हमारे पास टेबुलर, टेबुलर मेथड, और इसी को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। सेकंड है हमारे पास प्रॉपर्टी मेथड, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। देखिए, इन दोनों में विशेष बात यह है कि जब किसी सेट की प्रॉपर्टी दे रखी होगी तो उसके हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं और उसको हमें रोस्टर मेथड से लिखना है, या फिर कोई सेट दे रखा होगा उसके एलिमेंट्स के बारे में एक प्रॉपर्टी होगी उसमें, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी कोई सेट दिया गया होगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर एलिमेंट लिखे गए होंगे तो हमें क्या करना है, उसकी एक मेन प्रॉपर्टी समझनी है, उस प्रॉपर्टी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है, तो वो कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड। और अगर कोई प्रॉपर्टी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई है और उसके हम एलिमेंट फाइंड करेंगे और उन एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा के थ्रू सेपरेट करके अगर लिख देंगे तो वो कहलाता है हमारा रोस्टर मेथड। तो ये दोनों दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बाय प्रॉपर्टी। बस इसकी प्रॉपर्टी मेन है, जब प्रॉपर्टी दे रखी हो तो उसमें ऐसा क्या गुण है उसको मुझे लिखना है एलिमेंट के थ्रू कर्ली ब्रेसेस में, तो वो कहलाता है रोस्टर मेथड। और जब सेट दे रखा हो, एलिमेंट के रूप में लिखा गया हो, तो उसको मैं प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं दोनों। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है मेरे पास, मेरे पास क्या किया है, वोवेल्स है, जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स है उनके एलिमेंट्स दे रखे हैं, ए ई आई ओ यू, और मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेट बनाना है। तो मैंने क्या कहा, जब भी एलिमेंट्स दे रखे हों और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अगर कोमा के थ्रू सेपरेट करके इनको लिख दूंगा तो ये बन जाता है सेट। तो देखिए, तो इसका सेट, सेट का नाम दे दिया मैंने ए, तो ये क्या होगा, ए ई आई ओ यू, जो फॉर्म बन के तैयार हुई है ये कहलाती है रोस्टर मेथड। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड। तो इसी को, ये जो एग्जांपल है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो सेट है तो उसको देखिए, दो बातें याद रखनी है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेना है इसमें, तो मैं ले लेता हूँ एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, एक्स कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके बारे में लिखा है, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और इसी को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, ये प्रॉपर्टी है कि कोई एलिमेंट है कोई वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, और मैंने क्या किया उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, तो ये जो सेट बनके तैयार हुआ वो होता है प्रॉपर्टी सेट। और ये जो एलिमेंट्स के थ्रू लिखा गया है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखा गया है, तो ये कहलाता है रोस्टर मेथड। देखिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं,
डेफिनेशन लिखता हूं मैं दोनों की। पहला है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड है मेरे पास, तो क्या करूंगा टू राइट द ऑल एलिमेंट्स इनक्लोज्ड द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाई कॉमास। कि जब भी कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं तो मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख देना है, तो वो कहलाता है रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड है मेरे पास, दूसरा मेथड है प्रॉपर्टी मेथड, या फिर इसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड तो हमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी को सेट के अंदर लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, टू राइट द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनक्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जो भी हमें सेट दे रखा है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो वो कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। फॉर एग्जांपल दे रखा है मुझे, कोई सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये सेट दे रखा है, ये जो अभी फॉर्म जो लिखी हुई है, ये जो फॉर्म है ये है रोस्टर मेथड। अब इस के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा तो वो कहलाती है प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नेचुरल नंबर दे रखे हैं और 10 से छोटे 10 से लेस देन है, तो मुझे प्रॉपर्टी लिखनी है, तो इसी को मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड में। तो ए सेट है तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैंने कहा जब भी प्रॉपर्टी लिखनी है तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की लिखनी है, तो मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया एक्स, सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास कि x जो है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। अब इसी में क्या है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट करता है अनंत तक जाता है, लेकिन अभी क्या है ये फाइनाइट सेट है, 10 से छोटा है, 10 है और 10 से छोटा है, तो मुझे क्या लिख देना है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि x लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये जो प्रॉपर्टी दे रखी थी मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया, तो ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन है पहला है प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा होगा, प्रॉपर्टी मेथड होगा और उसको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन रोस्टर मेथड। ठीक,
ये क्वेश्चन दे रखा है, हम दो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इससे आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो अगला लेक्चर होगा, वो ओनली क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं है ना रटना है, केवल उसके कंसेप्ट समझने हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो मैथमेटिक्स अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने अपने इस सारे के सारे जितने भी लेक्चर होंगे तो सबसे पहले मैं फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए मैंने इस क्लासेस का नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। केवल मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, ये 11th प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए थोड़ी थ्योरी दिखा के चल रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं थोड़ा एडवांस हूंगा तो उसमें मैं थ्योरी नहीं दूंगा, केवल कॉन्सेप्ट होगा और कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन होगा। कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किस पे करना है बस ये होगा, और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। केवल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो कोई भी बुक उठा लीजिए, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है इन रोस्टर मेथड। देखिए ये जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है तो वो इक्वेशन जो होती है वो सेट वेल्डर मेथड के थ्रू लिखी जाती है। एक सेट वेल्डर यानी ये प्रॉपर्टी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक प्रॉपर्टी है, और इसके कुछ सॉल्यूशन होंगे, और वो सॉल्यूशन जो निकलेंगे उसको अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा के थ्रू सेपरेट करके लिख दूंगा तो वो कहलाता है रोस्टर मेथड। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और उसके सॉल्यूशन फाइंड करता हूं। तो देखिए गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मुझे इक्वेशन दे रखा है और इक्वेशन ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करना है मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसके मैं फैक्टर करता हूं तो ये होगा टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये होगा x कॉमन लूंगा यहाँ से ये अलग है तो x प्लस टू, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x के मान हमारे पास आए तो वन आया और एक आया माइनस टू। तो देखिए ये एक प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन निकाला हमने तो वो निकला वन और माइनस टू, माइनस टू और ये वन जो दे रखा है वो एलिमेंट है इस प्रॉपर्टी के, और इन्हीं एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख दिया जाएगा तो वो कहलाता है रोस्टर मेथड। तो बी कैन बी रिटेन इन रोस्टर मेथड, ठीक, बी कैन बी रिटेन इन रोस्टर मेथड, तो सेट वन के तैयार होगा मेरे पास वो सेट होगा ए वन कॉमा माइनस टू। तो देखिए जब भी प्रॉपर्टी दे रखी हो और प्रॉपर्टी का मुझे सॉल्यूशन करके लिख देना है, सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टी दे रखी हो उसके सॉल्यूशन में हमें एलिमेंट्स मिलने वाले हैं और एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे तो वो कहलाता है हमारा और रोस्टर मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं रोस्टर मेथड का होगा लेकिन उसे हमें सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है राइट द सेट ए वन फोर नाइन 25, 36 इन सेट बिल्डर मेथड। देखिए मुझे क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ये जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है, क्या है ये रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर फॉर्म को मुझे क्या करना है कन्वर्ट करना है सेट वेक्टर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्व करते हैं गिवन सेट
given a set A is equal to curly braces close 4 open 9 25 36 close ठीक ये दे रखा है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी क्या है, मैं जरा इसको ओपन करके देखता हूं तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये सॉरी यहां पे लिखना है मुझे 16 और ये है 36, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, ऐसे चलता जाएगा 7 का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर होगा। तो देखिए इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लिखा गया है तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 जो दे रखे हैं ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वही कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो रोस्टर मेथड लिखा गया है, जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है मुझे सेट की, तो वो प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी को मुझे सेट रिटर्न फॉर्म में लिखना है। तो बी कैन बी रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो जो सेट तैयार होगा ए, अब मुझे लिखना है। और देखिए जब भी मुझे लिखना है तो मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट का ही लिखना है केवल, तो मैं इसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेता हूँ, वो एक्स, एक्स कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी लिख दी मैंने तो ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अगला लेक्चर होगा मेरा, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस होंगे, उनको समझना है, ठीक है।